यूट्यूब चैनल डीएसएलआर एजुटेक में स्वागत है दोस्तों। जुलाई माह में जो मीटिंग होगी विद्यालय प्रबंध समिति की कहें या अभिभावक अध्यापक मीटिंग दोनों साथ ही कर लेनी है तो जुलाई के महीने में होनी है और आदेश बड़ा तगड़ा आया हुआ है 5-6 पन्ने का, ठीक है। तो एजेंडा जो लिखना है, जो 4 चीज़ें लिखनी वो ऑलरेडी लिखी हुई, लेकिन रजिस्टर में आप 6 पन्ने तो लिख नहीं सकते, इसीलिए कोशिश की है कि हमने कि आसान भाषा में आपको बताया जाए कि रजिस्टर में लिखना क्या। तो दोस्तों ये देखिए, हमने छोटा सा लिख रखा है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस बार जो मीटिंग होने वाली है उसमें जिले स्तर से कोई ना कोई आपका, जिले स्तर नहीं तो ब्लॉक स्तर से ARP BO या SRG जिसको आपको बुलाना हो, आपको उसको सूचित करना होगा और उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, तभी आपकी मीटिंग सफल होगी। अच्छे से करिएगा क्योंकि फ़ोटो सेशन भी होना है, ये सारी चीज़ें होनी है, ठीक है। तो आप PD करने से पहले आप BO से या SRG या ARP या BS से, जैसे आपका जिससे सिस्टम बन जाए, उसको बुलाना है, उसको बताना है कि भैया आपके पास कब टाइम है, हमारे वहाँ मीटिंग लेनी है और जुलाई के पहले वीक में ही लेनी है, ठीक है। तो ये आप कंफर्म करने के बाद ही मीटिंग करिएगा। तो लिखना है तो सेवा में BO को बुला लो, SRG को, ARP अध्यक्ष उपाध्यक्ष अभिभावक SMC के सदस्य गण को सूचित करना होगा कि कब मीटिंग है। 2 दिन पहले कर लीजिएगा क्योंकि 3 को स्कूल ही खुला है, फिर कैसे मंत्रित कर लिखना है इसमें कुल मिला के, ठीक है। तो सोइए या मोबाइल से बता दो या सूचना पत्र भिजवा दो या बच्चों से कह के, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु होंगे, ये देख लीजिए। बच्चों का नामांकन उपस्थिति ठहराव के संबंध में, नामांकन एडमिशन के बारे में, बच्चे की उपस्थिति क्योंकि अभी कुछ दिन उपस्थिति बढ़ानी होगी क्योंकि अब छुट्टी चल रही, कुछ बच्चे जान ही नहीं पाएंगे, स्कूल खुल चुके हैं। ठहराव से मतलब है कि ऐसा ना हो कि बच्चे यहाँ नाम लिखाएं फिर कहीं और चले जाएं लिखवाने। DBT के बारे में बताना विस्तृत रूप से कि भैया DBT में CDET खाता ही देना वरना पैसा नहीं आएगा, 1200 रुपये आना है, स्कूल का ड्रेस का, जूते मोजे का, पेंसिल पटरी इरेजर इस सब चीज़ों का आना है, पैसा आना है, ड्रेस का आना है, ये सारी चीज़ें। निपुण भारत के बारे में विस्तार से बताइए कि भारत की योजना, भारत सरकार की योजना चल रही है, प्रदेश सरकार की योजना चल रही है कि इसके ज़रिए अभिभावक सहभागिता ज़रूरी है, हम बच्चों को यो ये करके दे रहे हैं, ठीक है। फिर ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में जो 9 स्थापना बिंदु हैं उन पर जो छूट गए हैं उनको पर भी चर्चा करिएगा कि किस तरीके से काम करना है, और अभिभावकों से पूछेगा कौन सी ऐसी सुविधा है जो हमारे विद्यालय में नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम के बारे में बताना, जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल में नाम नहीं लिखवाए छूट गए हैं उनके लिए भी बताना है कि हमारी सरकार द्वारा योजना चल रही जिसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा इन बच्चों का, स्पेशल एक टीचर नियुक्त किया जाएगा, जो एक प्रशिक्षण चलाया जाएगा, इन बच्चों को अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चों है समर्थ ऐप के बारे में बताइएगा जिसमें उपस्थिति समर्थ ऐप के द्वारा दी जाए, क्या क्या योजना है इसको। SMC पर चर्चा कर लीजिएगा कि SMC सदस्यों की भूमिका क्या है और कैसे कैसे काम करना है, भाई अच्छा काम करना है, विद्यालय अच्छा चलेगा, तो सही है। नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 में एडमिशन के लिए परिणाम जो आ गए हैं उस पर अगर कोई आया हो बच्चा तो बता दीजिएगा, उसको पुरस्कृत कर दीजिएगा। और छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण जब कभी कोई प्रतियोगिता हुई होगी, ठीक है, तो फिर उसको पुरस्कृत कर दीजिएगा। बाकी आप बस इतना ही है, बाकी अपने हिसाब से कई चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, इसमें से घटा सकते हैं, बहुत करने को बहुत कुछ है, ठीक है। जुलाई में जो जो नई योजनाएं कराना चाहते हैं वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना है, वरना आप बाकी आप पॉइंट बढ़ा